तो 10th क्लास में चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर चुके थे। चौथे चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघातीय समीकरण क्या होता है हमने किया था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है, बी एक्स का गुणांक होता है, सी अचल पद होता है, इसके साथ में कोई एक्स वाई जेड नहीं होता है। तो ये हमने 4.1 से पहले किया था। तो 4.2 में अब हम फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। पहले का पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू जीरो, ये हमें दिया गया है। तो हमें इसके मूल ज्ञात करने हैं। एक्सरसाइज 2.2 में भी हमने किया था, मूल क्या होते हैं जो शून्यक होते हैं। द्विघातीय बहुपद या समीकरण के जो हम दो मूल शून्यक निकालते हैं वही इसके मूल होते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि इसके कितने हल होते हैं, कितने हल होंगे इसके, दो, क्योंकि इसके अधिकतम घात कितनी है, दो। तो जो द्विघातीय बहुपद या समीकरण होता है उसके अधिकतम होते हैं दो होते हैं, उसके दो होते हैं शून्य या हल। त्रिघातीय के तीन हल या तीन शून्य या तीन मूल ऐसे हम निकाल सकते हैं। रैखिक बहुपद है तो उसका केवल एक ही हल होता है, जिसके अधिकतम जितनी घात होती है उतने ही उसके शून्य हम निकाल सकते हैं। तो इसके अधिकतम घात कितनी है, दो, तो इसके मूल भी कितने होंगे, दो। तो हमने जैसे कि पिछले एक्सरसाइज में किया था सेम हमें वही मेथड लगाना है। 10 एकम 10 प्लस माइनस माइनस, हम इसको दो टुकड़ों में बांट लेंगे कि यदि उसे गुणा करें तो माइनस 10 आना चाहिए। अब गुणा करने पर माइनस कब आता है, जब एक माइनस होता है और एक प्लस होता है। माइनस प्लस गुणा करेंगे तो क्या आएगा, माइनस। जब एक माइनस एक प्लस हम लेते हैं तो वो आपस में जुड़ते हैं या घटते हैं, वो घट जाते हैं। एक माइनस एक प्लस तो वो घट जाएंगे और आंसर में निशान क्या आता है, जो बड़ी संख्या के आगे होता है। बैठ जाए गुरु। तो ऐसे तीन के दो टुकड़े बनाओ कि गुणा करने पर 10 आ जाए, क्योंकि वो घटेंगे, फिर घटने पर क्या आना चाहिए, माइनस 3x। तो ऐसा सोच करके देखते हैं हम ऐसे क्या हो सकते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू जीरो। 5 × 2 = 10, माइनस प्लस माइनस, एक माइनस एक प्लस घट गए, 5 में से 2 गए 3। अब हम बड़ा कौन सा लें, दोनों में से छोटा प्लस कौन सा लें, माइनस कौन सा लें, इसके लिए देखते हैं कि तीन के आगे क्या निशान है। तीन के आगे माइनस है तो बड़े के आगे माइनस लेंगे, प्लस छोटे के आगे हम प्लस लेंगे। इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, एक्स, यहाँ बचेगा एक्स, ये एक्स बाहर आ गया, ये 5 आ गया। इसमें से यहाँ पर भी क्या आना चाहिए हमारा, एक्स माइनस 5, माइनस का माइनस है, सेम है, तो बाहर क्या कॉमन आएगा। जब ये निशान एक जैसा हो, ये माइनस, तो यहाँ प्लस लेते हैं, हमें साइन चेंज नहीं करना पड़ता। बाई चांस मान लो यहाँ प्लस होता तो ये माइनस है, ये प्लस है, इसको हमें एक जैसा बनाना होता है। तो ये माइनस ये प्लस है, तो इसमें से कॉमन हम क्या निकाल लेते हैं, यहाँ माइनस, ताकि साइन चेंज, जब हमें ये साइन चेंज करना हो तो हम माइनस निकालेंगे, यदि हमें ये चेंज नहीं करना है तो हम प्लस लिखेंगे। अब दो देखो, यहाँ दो है नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमने क्या किया, दो को कॉमन निकाल लिया, इसको दो से भाग करेंगे तो ये एक्स बच जाएगा, 2 × 5 = 10। इसमें से और इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स माइनस 5। अब एक्स प्लस 2 ये रह जाएगा इक्वल टू जीरो। अब ये जीरो इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है। एक्स माइनस 5 इक्वल टू जीरो या एक्स प्लस 2 इक्वल टू जीरो। माइनस 5 को यहाँ ले आएंगे प्लस हो जाएगा, और प्लस 2 को यहाँ ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। अतः बहुपद के शून्य एक तो आ जाता है 5 और एक आ जाता है माइनस। समझ आ गया होगा सभी को। सेकंड क्वेश्चन इसका अपने आप से निकालोगे। अब हम तीसरा पार्ट लेते हैं इसका। तीसरा पार्ट है वर्गमूल 2x² + 5√2 = 0, ये दिया गया है। इसे कैसे हल किया जाएगा, पहली बात तो ये है कि सभी निशान प्लस हैं, तो जो हम टुकड़े बनाएंगे 7 के दो टुकड़े, वो दोनों कैसे होंगे, प्लस के होंगे, कहीं माइनस नहीं आएगा। अब देख लेते हैं वर्गमूल 2 और 5√2, इनको गुणा कर लेते हैं।
ये पाँच तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुणा ही है ये। वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल दो कितना होता है? दो होता है। देखो क्यों होता है, वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल दो, दो दूनी चार, चार का वर्गमूल क्या निकल जाता है? दो। तो इसलिए हम सीधा इसको ऐसे लिख देते हैं, वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल दो, सीधा दो लिख देते हैं, ना कि पहले चार ना फिर उसका वर्गमूल निकाले। अब ये इस इन दोनों को हल किया तो ये आ गया, फिर ये पाँच है साथ में, पाँच दूनी कितना आ जाता है? दस। सात के दो टुकड़े बनाएंगे, यदि उन्हें गुणा किया जाए तो क्या आए? दस। और यदि उन्हें आपस में जोड़े तो क्या आए? सात। ऐसे दो टुकड़े क्या हो सकते हैं? वर्गमूल दो एक्स की दो प्लस दो एक्स प्लस पाँच एक्स, पाँच वर्गमूल दो इक्वल टू ज़ीरो। देखो दो प्लस पाँच सात, दो पंजे दस। ये हो जाता है। अब इनमें से हम कॉमन निकालते हैं, ये तो वर्गमूल दो है और ये खाली दो है, तो इसमें से कैसे कॉमन निकालें? हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, नहीं तो मैं एक स्टेप और करके दिखा देती हूँ। इसमें से कॉमन नहीं आ सकता अभी, तो हम एक स्टेप और बनाएंगे। दो को हम क्या लिख सकते हैं? वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल दो। देखो हमने क्या किया था यहाँ पे, वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल दो क्या होता है? दो होता है। तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो को हम कैसे लिख सकते हैं? वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल दो, क्योंकि इन दोनों, इसका मतलब ये होता है और इसका मतलब ये होता है, तो इसलिए हमने दो को हटा करके इसको इसमें चेंज किया। क्यों किया? क्योंकि हमारे पास आगे वर्गमूल दो है। यदि यहाँ भी खाली दो होता तो दो ही कॉमन आ जाता दो दो में से। अब इसको हमें ऐसे चेंज करना पड़ेगा, साथ में एक्स है, एक्स लगा देंगे, इसे हम अभी ऐसे ही लिख देते हैं इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें से कॉमन आएगा, प्लस के इधर ये और प्लस के इधर इसमें से, वर्गमूल दो गुणा वर्गमूल दो, वर्गमूल दो कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर और एक्स में से क्या कॉमन आएगा? एक्स। अब एक्स स्क्वायर में से एक्स आ गया, ये बाहर आ गया, क्या बचता है? एक्स। ये बाहर आ गया, ये भी यहाँ कॉमन आ गया, तो ये क्या बच गया? वर्गमूल दो। इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा? दोनों साइड पे क्या है? पाँच। पाँच कॉमन आ गया, क्या बचता है? एक्स। पाँच कॉमन आ गया, क्या बचता है? वर्गमूल। इसमें और इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा? एक्स प्लस वर्गमूल दो। अंदर ये क्या बचेगा? वर्गमूल दो एक्स प्लस पाँच इक्वल टू ज़ीरो। अब ये ज़ीरो इन दोनों के इक्वल है, एक्स प्लस वर्गमूल दो इक्वल टू ज़ीरो, या वर्गमूल दो एक्स प्लस पाँच इक्वल टू ज़ीरो। प्लस वर्गमूल दो इधर आकर क्या बन जाएगा? माइनस। ऐसे ही इसमें कर लेते हैं, प्लस पाँच यहाँ पे आकर के माइनस, और ये गुणा है तो ये यहाँ आकर के क्या हो जाएगा? भाग। अतः समीकरण के मूल वर्गमूल दो माइनस पाँच बटे वर्गमूल दो। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, चौथा पार्ट, दो एक्स की शक्ति दो माइनस एक्स प्लस एक बटे आठ इक्वल टू ज़ीरो, ये करना है। अब यहाँ ये एक बटे आठ आ गया, तो पहले हम इसे हल करेंगे, एक द्विघातीय समीकरण में चेंज करेंगे, द्विघातीय तो यह है, बटे को ख़त्म करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा? आठ। आठ दूनी सोलह, एक्स स्क्वायर, आठ गुना एक्स आठ एक्स, आठ से आठ कट जाएगा, क्या आएगा? एक। सोलह एक्स स्क्वायर माइनस आठ एक्स प्लस एक, आठ को यहाँ ले आएंगे, यहाँ ये भाग में यहाँ के गुणा हो जाएगा, आठ गुणा ज़ीरो क्या बन जाएगा? अब ये बन गया हमारा सीधा समीकरण। अब इसके हम गुणनखंड कर लेते हैं, सोलह एकम सोलह प्लस प्लस प्लस, माइनस आठ एक्स के दो टुकड़े बनाएंगे कि इसे गुणा किया जाए तो क्या आना चाहिए? प्लस सोलह। अब गुणा करने पर प्लस का निशान कब आता है? दोनों प्लस प्लस हो तो क्या आता है? प्लस। और दोनों माइनस माइनस हो तो भी क्या आता है? गुणा करने पर प्लस हो जाता है। अब प्लस सोलह तो आ जाएगा कोई भी ले हम तो, लेकिन हमें यहाँ क्या चाहिए? माइनस। तो इसलिए हम क्या लेंगे? दोनों माइनस लेंगे, क्योंकि प्लस प्लस को जब हम जोड़ेंगे
तो जुड़ जाएंगे, निशान क्या आएगा? प्लस। और माइनस माइनस को जब हम हल करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं? प्लस हो जाते हैं, लेकिन निशान क्या आता है? माइनस आता है। हमें यहाँ माइनस चाहिए, इसलिए हम दोनों क्या लेंगे? माइनस। आठ के दो टुकड़े बना लेते हैं कि यदि उन्हें गुणा करें तो आना चाहिए 16, चार चौक 16, माइनस माइनस गुणा करने पर प्लस, माइनस चार क्या बन जाएगा? माइनस आठ। अब इसमें से कॉमन कौन सा पहाड़ा है जिसमें चार भी आता है 16 भी आता है? चार। एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स, चार का पहाड़ा 16 तक, चार चौक 16, एक्स स्क्वायर में से एक्स आ जाएगा तो एक्स, दोनों आ चुके हैं बाहर कॉमन, तो इनकी जगह पर क्या आएगा? एक। अब ये माइनस है और ये क्या है? प्लस। तो इसे हमें क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा। जब चेंज करना होता है तो बाहर क्या निकाला जाएगा? कोई दोनों में से कॉमन आता है कुछ, एक्स यहाँ है तो यहाँ नहीं है। कोई ऐसी संख्या जिसके पहाड़े में एक भी आता है चार भी आता है, वो कौन सी संख्या है? एक। जब एक कॉमन आता है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस, इक्वल टू ज़ीरो। इसमें और इसमें से कॉमन क्या आते हैं? चार एक्स माइनस एक, अंदर आता है चार एक्स माइनस एक, इक्वल टू ज़ीरो। अब इसमें दोनों ज़ीरो के इक्वल है, चार एक्स माइनस एक इक्वल टू ज़ीरो, चार एक्स माइनस एक इक्वल टू ज़ीरो। माइनस एक यहाँ आ करके प्लस, और ये गुणा का चार यहाँ करके भाग, माइनस एक यहाँ के प्लस और ये गुणा का चार यहाँ करके भाग, आता है समीकरण के मूल, एक एक बटे चार आ जाता है, दूसरा भी एक बटे चार आ जाता है। अब इसका लास्ट पार्ट अपने आप से निकाल लेंगे। क्वेश्चन नंबर तीन, क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम बाद में करेंगे, हमें एग्जांपल से स्टेटमेंट उठानी है। अभी हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर तीन। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 है और गुणनफल 182 है। तो हमें ऐसी दो संख्याएँ लेनी हैं जिनका योगफल कितना होना चाहिए? 27, और गुणनफल क्या होना चाहिए? 182। द्विघातीय समीकरण जो हम लेते हैं वो हमेशा एक ही चर में होता है, जैसे इक्वेशन हमने लिखा था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो, यहाँ भी एक्स होता है, यहाँ पर भी एक्स होता है, वाई नहीं होता। तो जो हम एक वेरिएबल लेते हैं दूसरा भी हम उसी की फॉर्म में निकालते हैं। अब दो संख्याएँ हैं, मान लेते हैं पहली संख्या एक्स, तो दूसरी संख्या, हमें बोला गया दोनों का जोड़ है 27, तो दूसरी संख्या कैसे निकलेगी? मान लो कि दो व्यक्ति हैं, उनके पास कुल मिलाकर के 20 रुपए हैं, एक के पास कुछ भी मान लो, दूसरे के पास कुछ भी मान लो, दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आता है? 20। ये मान लो एक्स है। मान लो मेरे पास यहाँ पे 8 रुपए हैं, तो यहाँ दूसरे के पास कितने होंगे? 12 होंगे। कैसे निकला ये? 20 में से इस 8 को क्या करेंगे हम? माइनस। तो ऐसे ही हमारे पास इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या है? 27। योगफल में से यदि पहली संख्या को माइनस करें तो दूसरी निकल जाती है, तो इस योगफल में से हम इस पहली संख्या को माइनस कर लेंगे, 27 माइनस एक्स। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसा प्रश्न में बोला गया है दो संख्याओं का योगफल 27 है और गुणनफल इसका कितना है? 182। अब दोनों का गुणनफल 182 है, तो हम दोनों को क्या किया हमने यहाँ पर, ये क्या निशान है? गुणा, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, और ये कितना दिया हुआ है हमें? 182। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा, जैसे बुक में स्टेटमेंट में बोला उसके अनुसार ये बना दिया। अब यहाँ गुणा है, गुणा कर देते हैं 27 गुणा एक्स, 27 एक्स माइनस एक्स गुणा एक्स, एक्स स्क्वायर, इसे भी यहाँ ले आते हैं, प्लस है क्या बन जाएगा? माइनस, इक्वल टू, जब ये यहाँ आता है तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस में है, ए एक्स स्क्वायर ये बीच में आ गया, इसको आगे ले आएंगे, पहले तो एक्स स्क्वायर आगे लिखते हैं, खाली एक्स बीच में लिखते हैं, और जो अचर पद है उसको साइड में लिखा जाता है लास्ट में, तो स्क्वायर वाला जो पद है उसको आगे ले आएंगे, फिर हमें ये प्लस का लेना होता है, ऑलमोस्ट हम इसे प्लस लेते हैं, तो इसे प्लस में करने के लिए, इसका साइन चेंज करने के लिए क्या करेंगे? इनको यहाँ से उठा के इधर ले आएंगे, इक्वल के इधर ले आएंगे, इक्वल के यहाँ लाएंगे तो क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस क्या बन जाएगा? प्लस। फिर बीच में क्या है? बी एक्स, यानी एक्स वाली संख्या, एक्स वाली संख्या कौन सी है? ये वाली,
ये प्लस है तो इक्वल के इधर आकर क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस 182 को यहाँ लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस 182 इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाता है हमारा द्विघात समीकरण। अब इसे हल करेंगे, 182 एकम 182 प्लस प्लस प्लस, माइनस 27 के दो टुकड़े की गुणा करने पर प्लस 182 आ जाए। प्लस कब आता है, दोनों प्लस हो तो भी प्लस, दोनों माइनस हो तो भी, गुणा करने पर क्या आएगा प्लस। हमें यहाँ क्या चाहिए, माइनस चाहिए हमें, तो हम दोनों प्लस लेंगे या माइनस लेंगे, माइनस। अब 182 के दो टुकड़े बना करके देख लो, तुम्हें नहीं पता लगता है तो, दोनी मठाता दो एकम दो, सात एकम सात, सात या 21। अब इन तीनों टुकड़ों को दो भागों में बांटेंगे, किसी भी तरीके से बांटे, गुणा करने पर हमेशा 182 आएगा। लेकिन हमें इस तरीके से करना है, जब हम दोनों माइनस माइनस लेंगे तो आपस में जुड़ेंगे या घटेंगे, जुड़ जाएंगे। तो उन दोनों को हमें ऐसे लेना है कि जब उनको जोड़ें हम तो क्या आना चाहिए माइनस 27। अब ऐसे ले लेते हैं, सात दूनी 14 और एक 13। अब इनको जोड़ लेते हैं तो क्या आ गया ये, लेकिन दोनों हमें क्या लेने हैं माइनस में लेने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू जीरो। इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, क्या आएगा x, यहाँ माइनस है और ये प्लस है, चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने के लिए हम यहाँ से क्या बाहर निकालेंगे माइनस। अब 13 के पहाड़े पे दोनों पड़ जाएंगे, 13 कॉमन आ जाएगा, ये आ गया तो इधर बचेगा x, 182 को 13 से भाग देंगे तो ये आ जाता है 14। इसमें से और इसमें से कॉमन x माइनस 14, अंदर रह जाएगा x माइनस 13, x माइनस 14 इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस 13 इक्वल टू जीरो, माइनस 14 यहाँ करके प्लस और माइनस 13 भी यहाँ करके प्लस। तो अब ये दोनों प्लस में आ गए, यदि एक माइनस में आ जाता तो हम उसको छोड़ देते कि माइनस वाली संख्या हमें नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें धनात्मक संख्याएं हमें लेनी है। तो यदि पहली संख्या हम x इक्वल टू 14 ले लेते हैं तो दूसरी संख्या क्या बन जाएगी, 27 माइनस एक्स 27 माइनस 14 13, ये आ जाएगी। यदि हम पहली संख्या 13 ले लेते हैं ये वाला, तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13 कितना आ जाएगा 14, यानी एक संख्या 14 आएगी एक 13 आएगी, या तो ये पहली आ जाएगी या फिर ये पहली आ जाएगी, 14 13 या 13 14 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 365 है। क्रमागत का मतलब लगातार, जैसे कि पहले भी बताया था, धनात्मक का मतलब प्लस की संख्याएं, प्लस लेनी है माइनस की नहीं लेनी है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, माना पहला पूर्णांक x, क्रमागत यानी इससे अगली संख्या, अगली संख्या कैसे निकलती है, जब उसमें हम एक प्लस कर लेते हैं, बताया था ना ये मैंने परसों। इनके, अब क्वेश्चन में क्या बोला है, जिनके वर्गों का योगफल 365 है। अब इसका वर्ग क्या होगा x स्क्वायर, और इसका वर्ग क्या होगा x प्लस एक स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर हो गया, दोनों का वर्ग हो गया। इसको यदि हम प्लस करें, इसका योगफल कितना दिया गया है 365, तो दोनों संख्याओं के वर्गों का योगफल 365 है। पहले तो इसको हल करेंगे और एक द्विघाती इक्वेशन में चेंज करेंगे, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस एक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर क्या होगा एक, देखो ऐसे होता है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये फार्मूला होता है। ए स्क्वायर में क्या होगा एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर में एक का स्क्वायर एक, दो इंटू ए की जगह एक्स और बी की जगह एक, दो एकम
दो, साथ में क्या आ जाएगा x। समझ आ गया, 365 इक्वल टू। अभी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर कितना आ जाता है, 2x स्क्वेयर। इक्वेशन में ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे होता है, x वाली संख्या बाद में आती है, दूसरे नंबर पे अब x वाली संख्या 2x है, प्लस ये प्लस आ जाएगा, प्लस ए, इसे यहाँ ले आएंगे, प्लस है क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वेयर प्लस 2x। अब ये घट जाएंगे, 364 बड़े के आगे माइनस है तो माइनस। ये इक्वेशन किसी से भाग हो सकता है, इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है, क्या आ सकता है, दो, दो के पहाड़े पे सब कट जाते हैं, दो से हमने इसको भाग दे दिया, दो से दो कट गया, दो से दो कट गया तो क्या बचता है एक्स, इसको दो से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 182। ये आ गया द्विघातीय इक्वेशन। अब 182 एकम 182 प्लस माइनस 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 182। अब हमें x के दो टुकड़े करने हैं कि इसको यदि हम गुणा करें तो क्या आना चाहिए आंसर में, माइनस आना चाहिए। माइनस कब आता है, जब एक प्लस होता है और एक माइनस होता है। अब एक प्लस एक माइनस है तो वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, घटने पर हमारे पास क्या आना चाहिए, प्लस एक आना चाहिए। तो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी टुकड़े बनाए थे, सेम वही बन जाएंगे, बस ये था कि उसमें हमने दोनों माइनस लिए थे, 14 को 13 से गुणा करोगे तो 182 आ जाएगा, हमने किया था अभी। अब वहाँ तो हमने माइनस लिए थे दोनों, माइनस माइनस, क्योंकि हमें यहाँ 27 चाहिए था प्लस। अब एक हमने प्लस ले लिया, एक हमने माइनस ले लिया, 14 में से 13 गया एक, यहाँ प्लस है तो कौन सा प्लस लेंगे, कौन सा माइनस लेंगे, बड़े के आगे प्लस लेंगे, छोटे के आगे हम माइनस ले लेंगे। अब इसमें से कॉमन ले लेंगे एक्स, यहाँ आ जाएगा एक्स प्लस 14, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस, इसे चेंज करना पड़ेगा, चेंज करने के लिए बाहर क्या आएगा, माइनस 13 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा x, माइनस का बन जाएगा प्लस, 182 को 13 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 14, इसमें और इसमें से कॉमन x प्लस 14, अंदर आ जाएगा x माइनस 13, दोनों के इक्वल 0 आ जाएगा। अब प्लस 14 यहाँ करके माइनस और माइनस 13 यहाँ करके प्लस। अब क्योंकि माइनस में आ गया और स्टेटमेंट में हमें ये बोला गया है कि धनात्मक संख्या लेनी है, ऋणात्मक नहीं लेनी है, तो ये माइनस की संख्या हमें नहीं लेनी है, क्योंकि x इक्वल टू माइनस 14 संभव नहीं है, इसलिए पहला पूर्णांक प्लस वाला, प्लस वाला कौन सा है, 13, एक्स प्लस एक, एक्स की वैल्यू 13 प्लस एक क्या आ जाएगी, 14। तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। आगे है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज क्या होता है, जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो, ऐसे। अब इसका कर्ण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, अब इसके ये जो ऊंचाई है ये इस आधार से कम है, जिससे कम है हम उसको मान लेते हैं, आधार से कम है तो हम आधार को ही मान लेते हैं, माना आधार x। अब ऊंचाई से कम है, कम के लिए क्या लिखेंगे, माइनस, ज़्यादा हो तो क्या लिखेंगे, प्लस। कर्ण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज में सभी बच्चों को पता है कौन सी पद में लागू होती है, पाइथागोरस पद में, पाइथागोरस पदमे के अनुसार क्या होती है,
आधा की दो प्लस लम की दो इक्वल टू कर्ण की दो, यही होती है। अब इसमें आधार का मान क्या है, x, लंब क्या है x माइनस सात, कर्ण दे रखा है 13, एक्स स्क्वायर तो ऐसे ही आ जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, 13 गुणा 13 क्या हो जाएगा 169, एक्स स्क्वायर इसको हल कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर सातु सत्ते 49, दो सत्ते 14, एक्स इसको यहाँ ले आते हैं प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर दो एक्स स्क्वायर, इसके बाद कौन सा नंबर आना चाहिए एक्स वाला, अब एक्स वाला पद ये तो हो गया, ये है माइनस 14x, अब ये प्लस और ये माइनस घट जाएंगे, 9 में से 9 गई 0, 16 में से 4 माइनस करेंगे तो 12, बड़े के आगे माइनस था तो हमने यहाँ माइनस लगा दिया। अब इसमें से कोई अंक कॉमन आ सकता है, क्या आ सकता है दो, दो से भाग हो सकता है, दो कॉमन आ जाएगा, दो से दो भाग हो गया तो ये क्या बचेगा एक्स स्क्वायर, दो सत्ते 2 6 12 0, अब ये एक द्विघात इक्वेशन बन गया, 60 एकम 60 प्लस माइनस माइनस, अब 7x के दो टुकड़े बनाएंगे कि गुणा करने पर क्या आना चाहिए माइनस 60, अब गुणा करने पर माइनस कब आता है जब हम एक प्लस लेते हैं और एक माइनस लेते हैं, अब एक प्लस एक माइनस होगा तो वो क्या हो जाएगा घट जाएगा और निशान आएगा बड़ी संख्या वाला, तो अब 7 के ऐसे दो टुकड़े बनाने हैं कि गुणा करने पर आना चाहिए माइनस 60, 12 5 60 और 12 में से 5 गए 7, डायरेक्ट हम लिख सकते हैं एक 12 हो गया और एक 5 हो गया, एक प्लस लेना है एक माइनस लेना है, कौन सा प्लस लें कौन सा माइनस लें, यहाँ पे क्या है माइनस, तो बड़े के आगे माइनस और छोटे के आगे प्लस इक्वल टू 0, अब यहाँ से कॉमन आ जाएगा एक्स कॉमन आ जाएगा तो एक्स माइनस 12, अब ये देखो माइनस का माइनस ही है तो इस साइन को हमें चेंज नहीं करना है, साइन चेंज नहीं करना है तो हम क्या कॉमन निकालेंगे बाद प्लस, अब 5 और 60 दोनों की इस पाड़े पे कटते हैं 5 पे, 5 कॉमन आ गया तो ये आ गया एक्स, ये माइनस है 60 को 5 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 12, इसमें और इसमें से कॉमन आ जाता है एक्स माइनस 12, अंदर बचेगा एक्स प्लस 5, अब ये 0 इन दोनों के इक्वल है एक्स माइनस 12 इक्वल टू 0, यह एक्स प्लस 5 इक्वल टू 0, माइनस 12 को यहाँ ले आएंगे प्लस और प्लस 5 को यहाँ ले आएंगे तो माइनस, ये आ जाता है। अब माइनस की संख्या तो लेनी नहीं क्योंकि क्या समकोण त्रिभुज में कोई भी भुजा माइनस में हो सकती है, नहीं हो सकती, तो हम लिख देंगे यहाँ, यानी हम इन दोनों में से एक ले रहे हैं और एक को छोड़ रहे हैं, तो इसको हम क्यों छोड़ रहे हैं वो रीज़न हमें यहाँ लिखना है, एक्स इक्वल टू माइनस 5 संभव नहीं, इसलिए x को हमने क्या माना था आधार 12 सेंटीमीटर में है ये तो सेंटीमीटर हो जाएगा, ऊंचाई थी इसकी x माइनस 7 यानी 12 माइनस 7 कितना हो जाएगा ये 5 सेंटीमीटर, क्लियर है, एक पार्ट रह गया, अगला क्वेश्चन है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण कर लेता है, एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत रुपीस में उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी, यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए, तो निर्मित बर्तनों की संख्या को हम मान लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 माना एक विशेष दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x, तो एक नग की लागत, अब ये नग क्या होता है,
नग होता है पीस। फैक्ट्री में बर्तन बन रहे हैं, एक बर्तन बना दिया, दो बना दिए, तीन बना दिए, ऐसे बर्तनों का ढेर हो गया पूरा। तो उसमें से हम एक पीस को उठाएं, एक को उठा लिया इसमें से, हमने क्या कहा, हमने एक बर्तन उठा लिया, या उसको हम कह देते हैं हमने एक नग उठा लिया, एक नग हो गया। ये एक सामान्य सी भाषा है, लोकल भाषा है। नग क्या होता है, यानी एक पीस, उस ढेर में से हमने एक पीस उठा लिया। समझ में आ रहा है? तो एक पीस को हम क्या कहते हैं, पीस को हिंदी में क्या कहा जाता है, नग। तो एक बर्तन की लागत, स्टेटमेंट में बोला गया है जैसे वैसे करेंगे, एक नग की लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तन की संख्या के दुगने से तीन अधिक। अब कितने बनाए एक दिन में, एक्स, इसका दुगना क्या होगा, दो एक्स, तीन अधिक तो क्या होगा, प्लस तीन। ठीक है, अब कुल लागत हमें दे रखी है कितनी, नब्बे रुपये। अब ये कुल लागत हम कैसे निकालें, नब्बे रुपये के हिसाब से हम इक्वेशन कैसे बनाएं। हमें स्टेटमेंट में बोला गया है कि उस दिन की कुल लागत है नब्बे रुपये, तो कुल लागत हम कैसे निकालें। देखो, एक दिन में कितने बर्तन बनाए, एक्स, और एक बर्तन की लागत कितनी है, दो एक्स प्लस तीन। तो इकाई लगाते हैं, एक नग की लागत दो एक्स प्लस तीन, टोटल कितने बर्तन है एक दिन में, एक्स, तो एक्स की लागत क्या होगी, इसको इससे क्या किया जाएगा, गुणा एक्स इंटू दो एक्स प्लस तीन। तो ये क्या हो जाएगी, एक्स बर्तनों की कुल लागत। ठीक है, तो हम इन दोनों को गुणा कर लेंगे आपस में, एक की लागत ये है तो एक्स की लागत गुणा होकर के आ जाएगी। टोटल क्या दे रखा है हमें, नब्बे दिया गया है। अब इसे हम हल कर लेते हैं, दो एक्स गुणा एक्स, एक्स की एक, एक्स की एक, एक्स की दो, तीन गुणा एक्स, तीन एक्स प्लस नब्बे, इधर आकर के क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये बन जाता है द्विघाती इक्वेशन, कुछ कॉमन नहीं आएगा इसमें से। अब नब्बे दूनी 180 प्लस माइनस माइनस, तो तीन के दो टुकड़े बनाएंगे कि गुणा किया जाए तो आना चाहिए माइनस 180, और उनको आपस में जोड़ें तो क्या आना चाहिए, प्लस, यानी उनको आपस में घटाएं तो आना चाहिए प्लस का तीन। तो माइनस कब आता है, जब एक प्लस हो और एक माइनस हो। तो ऐसे दो टुकड़े 180 के तुम ऐसे करके देख लोगे जैसे मैंने सिखाए थे, तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90। इनको गुणा करके देखो, 12 पंजे 60, 12 कम 12 और 6 18, प्लस माइनस माइनस हो गया। अब ये आपस में घट जाएंगे, 15 में से 12 गए 3, अब यहाँ इसके आगे प्लस है तो हम बड़े के आगे प्लस लेंगे, छोटे के आगे माइनस। इसमें से कॉमन क्या आएगा, 2 और 15 किसी एक पहाड़े पे आता है, नहीं आता, तो एक्स स्क्वायर और एक्स में से एक्स आ जाएगा, ये दो ऐसे ही रह जाएगा, एक्स स्क्वायर में से एक्स आ गया और ये एक्स बाहर आ गया 15, ये प्लस है और ये क्या है, माइनस। चेंज करना पड़ेगा इस साइन को, साइन चेंज करने के लिए बाहर क्या आ जाएगा, माइनस। अब 12 और 90 दोनों किस पहाड़े पे कटते हैं, 6 पे कट जाते हैं, 6 दूनी 12, माइनस का हो जाएगा प्लस, 90 को 6 से भाग दोगे तो ये क्या आएगा, 15। इसमें और इसमें से कॉमन हम निकाल लेते हैं, 2x प्लस 15, अंदर रह जाएगा x माइनस 6 इक्वल टू 0 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, प्लस 15 यहाँ करके माइनस, और गुणा का 2 इधर आ करके भाग, और माइनस 6 इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस। अब एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या x थी, तो क्या हम माइनस 15 बटे 2 बर्तन बना सकते हैं, कोई भी जो हम बनाएंगे क्या वो माइनस में बन सकते हैं, नहीं बन सकते भाई, बनाएंगे तो एक बनेगा या दो बनेंगे या तीन बनेंगे, इससे कम तो नहीं बनेंगे ना, इससे कम क्या होता है, जीरो। जीरो का मतलब क्या होता है कि कोई बनाया ही नहीं, और माइनस में क्या होता है कि जीरो से भी कम, तो क्या जीरो से भी कम हम कोई बना सकते हैं, नहीं बना सकते, तो जीरो से कम हमारे ये बन नहीं सकते, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि एक्स इक्वल टू माइनस 15 बटे 2 संभव नहीं है। इसलिए एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या कितनी हो गई, 6। तो एक नग की लागत भी हमें निकालनी है, इसमें पुट कर लेंगे x की वैल्यू 6 प्लस 3, 2 छिक 12 प्लस 3 15 रुपये। क्लियर है? तो इस तरह से एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट हो जाती है।